हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि चार धाम से संबंधित एक अपडेट आया है। दोस्तों, इस वर्ष रिकॉर्ड से अधिक लोग दर्शन के लिए केदारनाथ जाने वाले हैं। इस वर्ष 19 लाख से अधिक चार धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं ने करा लिया है। जो भक्तगण इस वर्ष 2024 में केदारनाथ धाम की यात्रा पर या चार धाम की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो जल्दी ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लें क्योंकि उनको कोई भी परेशानी ना हो और अपना स्लॉट भी बुक कर लें। तो उत्तराखंड सरकार ने एक दिन का स्लॉट को निर्मित कर दिया है। जितने ही स्लॉट में श्रद्धालु आएंगे तो उस दिन उतने ही श्रद्धालु उस स्लॉट के अनुसार दर्शन कर पाएंगे। जो इस समय एक नया ब्रेकिंग अपडेट आ रहा है, जो पिछले वर्ष लगभग 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ बाबा के दर्शन किए थे और उन्होंने चार धाम यात्रा का प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया था, और इस वर्ष बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड अब बढ़ने वाला है। तो इस समय आप सभी के लिए एक बड़ी जानकारी है, जो लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर या चार धाम की यात्रा पर आ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लें। जो व्यक्ति लोग चार धाम की यात्रा के लिए केदारनाथ धाम के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ की सरकार ने पूरे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं, पूरी तैयारी कर ली है, और जल्दी से जल्दी जो उत्तराखंड टूरिज्म की साइट से लोग अपने अपडेट सभी भक्तजनों के लिए देते चले आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा रास्ते में बीच बीच में स्वास्थ्य संबंधी कैंप बना दिए गए हैं। जिन भक्तजनों को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी कठिनाई होती है तो इस कैंप में जाकर वो अपना स्वास्थ्य की जानकारी करके अपना स्वास्थ्य का इलाज करा सकते हैं, तब वो उसके बाद वो यात्रा अपनी प्रारंभ कर सकते हैं। जगह जगह बीच में रास्ते में कैंप स्वास्थ्य के लिए लगाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य मित्रों के द्वारा ये स्वास्थ्य संबंधी प्रोसेस पूरा किया जा रहा है। सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए भी काफ़ी इस वर्ष काफ़ी तैयारी की जा चुकी है। प्रशासन अपने आप में एक्टिव है और उसने ही भक्तों की संख्या को सीमित किया है क्योंकि पिछले वर्ष काफ़ी भक्तजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा था क्योंकि पिछले वर्ष एकदम से श्रद्धालु लोग पहुंच चुके थे जिससे कि वहां के प्रशासन उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आज की जानकारी है, जो दोस्तों जो भक्तगण केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक जानकारी जो आ रही है वो आ रही है। 10 मई से लेकर जो आपने थंबनेल में देखा होगा, 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे क्योंकि उस दिन अक्षय तृतीया है। तो इस तरह से अक्षय तृतीया को भगवान केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो 10 मई से और 25 मई के बीच में जो भक्तगण बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो 10 मई से 25 मई के बीच में जो VIP श्रद्धालु हैं, जो विशेष अनुमति के लिए लेकर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, तो वो लोग 10 मई से 25 मई के बीच में उन्हें दर्शन नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति 10 मई से 25 मई के बीच में श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उन्हें दर्शन अवश्य ही मिलेंगे क्योंकि जो जब VIP श्रद्धालु आ जाते हैं तो जो साधारण तरीके से श्रद्धालु लाइन में लगते हैं तो उन्हें दर्शन के लिए बीच में रोक दिया जाता है, जिससे कि वहां श्रद्धालुओं को विशेष रूप से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए 10 मई से 25 मई के बीच में विशेष व्यक्ति यानी VIP व्यक्तियों को यानी श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये जानकारी चार धाम ट्रस्ट के द्वारा दी जा रही है और उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी दी जा रही है। ये एक विशेष अपडेट है जो बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए 14 से 21 किलोमीटर के बीच में ट्रेकिंग करके वो लोग ऊपर जाते हैं और ट्रेकिंग करके जब वो पहुँचते हैं तो उन्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए घंटों लाइन लगना पड़ता है, फिर भी बाबा के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो इस बार की जो सुविधा स्लॉट वाली बुक की गई है, इससे जो केदारनाथ धाम के लिए भक्तगण जाएंगे तो उन्हें बहुत ही कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सभी भक्तगण अपने स्लॉट का इंतजार करेंगे और बाबा के दर्शन भी करेंगे। तो 15 दिनों तक के लिए उत्तराखंड जो वहाँ का ट्रस्ट है, यानी इसके अलावा जो वहाँ की उत्तराखंड सरकार है, उन्होंने निर्णय लिया है कि 15 दिन तक किसी भी VIP व्यक्ति या श्रद्धालु को VIP दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छे निर्णय है जिससे कि आम जो श्रद्धालु वहाँ केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा,
और भगवान केदारनाथ के दर्शन बहुत ही आराम से उन्हें मिल जाएंगे। तो प्रशासन रोज नए अपडेट सामने लेकर आ रहा है। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कुछ वीडियो सामने आ रही थी जो 20 अप्रैल के आसपास की हैं। उसमें बताया गया है जो बाबा का मेन रास्ता है पूरा खुदा हुआ है और केदारनगरी के आसपास की जो होटल है उन्हें गिरा दिया गया है। तो वहाँ पर डेवलपमेंट चलता रहता है क्योंकि बाबा केदारनाथ के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं और जब कपाट बंद रहते हैं तो बाबा केदारनाथ का दरबार उखी मठ में चलता रहता है और वहाँ पर शीतकालीन के समय पर वहाँ बहुत ज़्यादा ही बर्फ पड़ती है। तो बाबा केदारनाथ पर जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो इसलिए बाबा केदारनाथ के सामने का जो रास्ता है उसे चौड़ीकरण किया जा रहा है। जो वहाँ पर सीढ़ियाँ बड़ी हुई हैं जो खराब हो गई है उन्हें दोबारा रिपेयर किया जा रहा है जिससे कि भक्तगणों को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। तो जो वहाँ रास्ते में खुदाई है जो सीढ़ियाँ टूट गई हैं और भी जो वहाँ मरम्मत की चीज़ें हैं वो 10 मई तक वहाँ के प्रशासन ने कहा है कि बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगी। ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है जो वहाँ पर चलता रहता है। तो आप सभी को हम बता देते हैं कि इस समय बाबा केदारनाथ में हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है और वहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर हो गया है और जो जो भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए या चार धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं उन भक्तों को बहुत बहुत सी शुभकामनाएँ। तो हर व्यक्ति के मन में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए अभिलाषा बनी रहती है और कहा जाता है जो धरती का स्वर्ग है वो केदारनाथ है। स्वर्ग से वहाँ जो हवाएं चलती हैं तो ये बाबा केदारनाथ एक आस्था का प्रमुख स्थान है और ये केदारनाथ धाम की यात्रा काफ़ी प्रसिद्ध भी हो चुकी है। तो अधिक से श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए हर वर्ष जाया करते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो आपको प्रशासन द्वारा वहाँ पर उसकी समस्याओं का हल किया जा रहा है लेकिन इसके साथ ही आपको जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका पर्चा हुआ डॉक्टर का नाम उसका फ़ोन नंबर और साथ में जो आप दवा खा रहे हैं उसको भी साथ में लेकर आपको चलना है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपको ट्रैकिंग के समय होती है तो वहीं पर आपको अपनी ट्रैकिंग रोक कर जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाना है। तो इस तरह से आपको किसी भी छोटी आपदा को बड़ा ना बनने दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन जाते हैं अपने परिवार साथ अपने मित्रों साथ बाबा केदारनाथ दर्शन के लिए प्रोग्राम बनाएं। तो इसके बाद जो भी नई जानकारी है मुझे प्राप्त होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों एक इस जगह मैं आप साथ एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि चार धाम की यात्रा हो या दो धाम की यात्रा हो या केदारनाथ की धाम की यात्रा हो जैसे कि इस वर्ष 15 दिनों के लिए VIP दर्शन के लिए रोक लगा दी गई है। इस तरह से पूरे चार धाम यात्रा में 2 या 3 डेट VIP के लिए रख दी जाए और उस डेट के अंदर उन VIP को दर्शन कराया जाए और जो आम जनता है उस दिन उन्हें दर्शन न कराया जाए जिससे कि उनको अधिक से अधिक समस्याओं का सामना न करना पड़े क्योंकि जब VIP लोग आ जाते हैं तो उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ता है और उन्हें कभी कभी दर्शन भी नहीं प्राप्त होता है और वापस लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगर कोई नई अपडेट आ रही है तो मैं तुरंत ही अपने अगली वीडियो बताऊँगा। हर हर महादेव। आप अपना ख्याल रखिए, आप स्वस्थ रहिए, आपके भगवान सभी मनोकामना पूरी हों और जल्दी से अपने केदारनाथ धाम या चार धाम की यात्रा या दो धाम की यात्रा का प्रोग्राम अपने परिवार साथ अपने मित्रों के साथ बनाएं। हर हर महादेव।